दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर सोमवार की सुबह 10:30 बजे विश्वविद्यालय स्थित प्रतिमा पर कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, उच्चतर शिक्षा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा व विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ल, प्रोफेसर सुषमा पांडे, डॉक्टर अभय मल, डॉक्टर स्मृता मल, डॉक्टर सुनीता लाल, डॉक्टर दुर्गेश निर्भय नारायण सहित काफी संख्या में विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर शिव भूषण त्रिपाठी और कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा, जो जितना बाहर प्रकट किया जो सर इससे यहाँ से इधर सर यहाँ से मनीषी के तुम्हें अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और यह कामना करते हैं कि हे मनीषी तुम हम सबों के मन में ऊर्जा भर दो, वो शक्ति दो ताकि निस्वार्थ होकर यही कामना है आज इस पूर्ण पर्व पर यही हम डॉक्टर शिव भूषण त्रिपाठी उपाध्याय जी, आज उनका भौतिक शरीर हम सबके बीच नहीं है, परंतु उनका यशस्वी शरीर हमारे बीच विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। उनकी प्रत्येक वाणी इस वायुमंडल में गूंज रही है, उसी का परिणाम है, उसी की प्रेरणा है कि हम सब लोग यहाँ आज एकत्रित हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए, उनको अभिनंदन और वंदन करने के लिए। कहते हैं जो जितना निर्मल रहे करे त्याग अभिमान, उसको उतना ही मिले मान और सम्मान। आज ऐसे मनीषी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी उनसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उनकी वाणी को अपने आचरण में लाकर चरितार्थ और कृतार्थ करने के लिए हम सब युवा वर्ग सभी उद्यत हैं और उन्हीं के सपनों को साकार करने की दिशा में हम सब लोग अग्रसर हैं। अभी इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय जी ने हम सब ने मिलकर पुष्पांजलि अर्पित किया है और ये अपने मनों में संकल्प लिया है कि जो उनके स्वप्न थे उसे साकार करेंगे। हम सब एकात्म मानववाद की जो संकल्पना रही है, अर्थात हम सब लोग मिलकर एक हैं, अभिन्न नहीं है, किसी तरह से अभिन्न नहीं है, एक मिलकर एक आत्मा है, एक रूप है, एक स्वरूप है और एकता को और सुदृढ़ करके आगे बढ़ते रहेंगे। इस शुभ संकल्प के साथ आज उस मनीषी को हम नमन करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना है कि अगर हम सब कुछ लोग मिलकर के कुछ भी कर सके तो उनके पावन चरणों में यही आज की श्रद्धांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम, उस मनीषी को बार बार प्रणाम करता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में आज उनकी संस्मरण में एक व्याख्यान रखा गया है। तो उस भाषण के बाद हम सभी विद्यार्थी और अध्यापक और शिक्षकगण कर्मचारीगण उस व्याख्यान में सम्मिलित होंगे और पंडित जी के जो दिए गए निर्देश थे, जो उनके द्वारा प्रेरणापूर्वक हम लोग को जो प्रोत्साहन दिया गया, जिनके नाम पर विश्वविद्यालय हमारा पड़ा हुआ है, उनके दिए हुए पद चिन्हों पर हम वचन लेंगे कि हम आगे विश्वविद्यालय को बढ़ाएंगे और समाज में अपना योगदान देते रहेंगे, ताकि उनके दिए हुए विचारों से हमारा समाज, हमारा भारतीय दृष्टिकोण, हमारी भारतीय संस्कृति और हमारा विकास उनके निर्देशों के अनुसार सब चल सके।